मुजफ्फरनगर किसान रैली है और यहाँ मीनाक्षी चौक पड़ता है जो इसी रोड पर है जहाँ रैली का स्थल बनाया गया है। डॉक्टर हारून के मार्गदर्शन में यहाँ डॉक्टरों ने कैंप लगाया हुआ है। आइए मालूम करते हैं डॉक्टर हारून साहब से कि उन्होंने किस मकसद के साथ आज यहाँ कैंप लगाया। डॉक्टर साहब आपका क्या मकसद है आज आपने यहाँ कैंप लगाया? हम लोगों का मेडिकल कैंप है, दोस्त मिल रहे हैं और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं बाहर से उनके लिए कैंप लगाया गया है ताकि उनकी कोई परेशानी ना हो। इसी कैंप है जिसमें कल सब आरम्भ हुआ था और कल को इसका डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ जितने किसान कार्यकर्ता आ रहे हैं उनका बिल्कुल फ्री इलाज किया जा रहा है, जितने उनको संभव हो सके दवाइयाँ दी जा रही है, इंजेक्शन आदि का। आप देख सकते हैं ये सरकुल ये है कोट रोड, कोट रोड की सड़क भी किसानों से फुल है। आप देख सकते हैं किसानों का रेल इधर से भी आ रहा है। ये खाला पार का पक्कर सा चौक है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ व्यापारियों ने खुद अपनी स्वच्छता से अपनी दुकानों को बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। साथ पक्का चौक पे मौजूद है पंजाब का किसान, ये पता करते हैं वो किस मकसद से यहाँ पंचायत में आए हैं। सरदार जी आप क्यों आए हैं पंचायत में? पंचायत में आया खर्चे की आर्थिक भूख ने यहाँ पे और मोदी सरकार की क्या आपके आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम तीनों काले कानून बिल रद्द कराने आए हैं यहाँ पे, रद्द करवाना चाहते हैं। आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? मानेगी क्यों नहीं, माननी पड़ेगी ना के जाएंगे, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी और मना के ही जाएंगे। ऐसे हम जाने वाले नहीं है, हमारी जिंदगी पूरी लग जाए हमें पुनर्वास करा के ही जाएंगे। रस्सी तो सड़ चुकी है लेकिन उसमें बट बाकी है, यही बात रहेगी है आज की इस महापंचायत में पता चल जाएगा सरकार को। इसको भी बड़ी रैली होगी अगर नहीं कोई मानेगा तो भी बड़ी रैली होगी। आगे और भी रैली करने का आपका जो है सरकार की जगह मानेंगे तो फिर होगी। इसके बाद कोई और स्कीम सोचेंगे और सरकार की जड़ें हिला के रख देंगे। ऐसी रैली हम पंजाब में भी करेंगे बहुत बड़ी महापंचायत का। आप इरादा पंजाब में भी ऐसी रैली करना है? करेंगे क्यों नहीं, पंजाब में हरियाणा में राजस्थान में यूपी बिहार बंगाल असम सब में जाएंगे हम, कहीं भी जाना पड़े जाएंगे हम। हम जिंदगी लगा देंगे पर ये काले कानून वास करा के रहेंगे। किसान जिंदाबाद। इस समय पंजाब का आए हुए किसान है, आइए उनके विचारों को सुनते हैं वो पंचायत में क्यों आए हैं। सरदार जी आप कहाँ से आए हैं? पंजाब जिला फतेहगढ़ साहब से हैं। आप पंचायत में आने का आपका मकसद क्या है? पंचायत में आने का मकसद एक ही है कि हमारे जो काले कानून खेती पर लेकर आए भारत बीजेपी सरकार उनको रद्द करवाने का है। रद्द करवाने के साथ साथ MSP लेनी है, इसमें MSP के साथ साथ जो हमारे हक हैं हमारे मजदूर भाई छोटे दुकानदार हैं छोटा किसान है बड़ा किसान है जो भी सब बर्बाद हो रहा है उनको संभालने की। आपको क्या लगता है आज की पंचायत से सरकार आपकी मांगों को मान लेगी? बिल्कुल हिल गई है जी, बिल्कुल हिल गई है सरकार, हिली हुई है। ये सिर्फ एक ड्रामा कर रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, वापस लेने पड़ेंगे, हर हालत में लेने पड़ेंगे। अंदर से खाली हो चुके हैं, जैसे बोलते हैं कि डिब्बा खाली हो गया मिठाई निकल गई, अंदर से सब कुछ निकल गया अब खाली हो चुके हैं, इनके पल्ले तक नहीं है, बिल्कुल खाली। आपका आगे निर्णय क्या है, आज के बाद आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? अगर आज के बाद कोई बयान अच्छी तरह से नहीं आता किसी की पक्ष में तो आगे का निर्णय हमारी जो महापंचायत में जो लिया जाएंगे अपने फिर उन पर अमल किया जाएगा। और हम तो अपनी तरफ से ये बोलते हैं शांति रखने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ हिलजुल करनी पड़ेगी। ऐसे लौट आएंगे जैसे पहले करनाल में हमारे किसानों के ऊपर डंडे लाठीचार्ज किए गए, दो किसानों की मौत भी हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि हम बार बार मरें, पहले एक नारा रखें हम मरेंगे और जीतेंगे, हम मरेंगे भी मारेंगे भी और जीतेंगे। हमारे साथ है मुजफ्फरनगर अध्यक्ष शाहिद आलम साहब, आइए इनसे मालूम करते हैं सुबह से कितने किसान यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी और कितने किसानों के आने की और संभावना बाकी है। देखो गिनती नहीं हो सकती, ये तो सैलाब है, गिनती कुछ नहीं हो सकती, इतने आ रहे हैं। अब तो ये सब जो है खड़े हो चुके हैं, आंदोलन में इतनी तेजी आ रही है,
अब अपने जो ये कानून है काले कानून है उनको वापस करा के ही दम देंगे, सरकार को सोचना पड़ेगा। इसी तरह की कोई इनका कोई आंकलन नहीं, एक आदमी भीड़ आ रही है, शहर पूरी तरह से जाम है, सब व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि ये किसान ये सबका दुख समझते हैं। पूरी खाने की व्यवस्था है, पूरी पानी की व्यवस्था है, पूरी दवाइयों की व्यवस्था है, अपने लोगों ने दवाइयों का कैंप यहाँ बैठा हुआ डॉक्टर यहाँ पे कैंप लगाया है, वो किसी भी तरह से अब साहब लोग जानना चाहते हैं कि आज जो पंचायत आपने बुलाई है किसान यूनियन ने, इसका मुद्दा या मकसद क्या है? देखो ये किसान यूनियन नहीं, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने ये महापंचायत का आयोजन किया है और सभी संयुक्त किसान मोर्चा के ही नेता यहाँ पे आए हुए हैं। और मुद्दा जो सबसे पहले है वो जो 9 महीने से वहाँ बॉर्डर पे 9 महीने से ज्यादा हो गए किसान को पड़े हुए और इस तानाशाह सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है ये किस लिए वहाँ का किसान भूखा प्यासा गर्मी सर्दी सब कुछ देख रहा है। 9 महीने हो गए, वोट तो इन किसानों ने भी दी थी इसकी आँख खोलने के लिए, इसको इसकी औकात बताने के लिए ये इस महापंचायत का आयोजन किया गया। भाई साहब क्या आपको लगता है कि संयुक्त मोर्चा किसानों का इस मकसद में अपने पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा है? पूरी तरह से सफल है और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लिया जाएगा, ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ये निश्चित। आपने सुना शहीद आलम जी को जो नगर अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, उनका साफ तौर पर मानना है कि कुछ बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है आज की पंचायत में। साजिद खान के साथ में राशिद खान, लाइव टुडे, मुजफ्फरनगर।